जादुई माला। एक गांव में अमीर चंद नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके जितना अमीर उस पूरे गांव में और कोई नहीं था। दिन दुगना रात चौगुना उसका व्यापार फलता फूलता था। लेकिन सेठ हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी को कोई लाइलाज बीमारी हो गई थी, जिसके वजह से वो बस कुछ ही दिनों की ही मेहमान थी। सेठ का एक सुंदर बेटा था, उसका नाम उमाकांत था। वो अपने लिए तो कम, अपने बेटे के लिए ज्यादा चिंतित रहता था कि अगर उसकी माँ चल बसी तो उस छोटे बच्चे का क्या होगा। यही चिंता सेठ को रात दिन सताती रहती थी। एक दिन रात को सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हुई और चल बसी। कई दिनों तक सेठ दुख में डूबा रहा। उसे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी कि उसका पालन पोषण कैसे होगा। पहले तो उसने सोचा कि वो खुद ही अपने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा, लेकिन गांव के लोगों ने समझाया कि शादी कर लो, घर में एक औरत आ जाएगी तो वो उमाकांत को आराम से पाल लेगी। सेठ ने बहुत मना किया, पर लोगों के जिद के सामने और बेटे को पालने की बात सोचकर उसने शादी कर ली। सेठ की नई दुल्हन बहुत अच्छी थी, उसने बच्चे को माँ की तरह ही प्यार दिया और सेठ के घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आई। कुछ साल बाद सेठ की नई पत्नी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। सेठ ने पूरे गांव को भोज दिया, बहुत खुशियां मनाई। सेठ का पहला बच्चा उमाकांत भी उन दो भाइयों को देखकर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे जुड़वा बच्चे बड़े होने लगे और नई सेठानी का सारा प्यार उन्हीं बच्चों को मिलने लगा। उमाकांत से उसका ध्यान हट गया, उल्टा उमाकांत से वो सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दी। नए नए पकवान मिठाइयां बनाकर वो अपने जुड़वा बच्चों को खिलाती, लेकिन उमाकांत को वो मिठाइयां पकवान छूने को भी नहीं देती। उसे वो डांट कर भगा देती और कहती कि तूने अब तक बहुत खाया है, अब इनके खाने की बारी है, तू अब बड़ा हो गया है। उमाकांत को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी नई माँ उससे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। वो पूछने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि नई माँ ने उसको एक दो बार मार भी दिया था। नई सेठानी उमाकांत से दिन भर काम करवाती, बच्चों के कपड़े भी धुलवाती और जो भोजन नौकरों के लिए बनाती वही उमाकांत को खाने को दे दिया करती। उमाकांत बहुत उदास रहने लगा। उसे अपनी माँ का चेहरा तो नहीं याद था, लेकिन अब वो सोचने लगा था कि अगर उसकी माँ जीवित होती तो उसे भी बाकी भाइयों की तरह प्यार मिलता। सेठ भी अपने जुड़वा बच्चों से ही ज्यादा प्यार करता था। उमाकांत से वो कभी कभार ही बोलता था और उसके गंदे कपड़े देखकर उसे कई बार डांट भी दिया करता था। उसकी सौतेली माँ उमाकांत को गंदे फटे कपड़े देती थी, उमाकांत को वही पहनना पड़ता था। एक दिन सेठानी उमाकांत को दुकान भेजा। जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा गुड़िया के लिए रो रहा था। सेठानी ने पैसे देकर उमाकांत को धमकाते हुए कहा, देख गुड़िया लेकर ही आना, कोई बहाना नहीं चलेगा, अगर खाली हाथ वापस आया तो खाना नहीं दूंगी। उमाकांत गुड़िया लेने के लिए गांव के दुकान में गया, लेकिन उस दुकान में गुड़िया नहीं थी। वो काफी डर गया। वो सोचने लगा, अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो माँ मारेगी भी और खाना भी नहीं देगी। इसी डर की वजह से वो दूसरे गांव में गुड़िया खरीदने निकल पड़ा, लेकिन वो गांव बहुत दूर था। बीच में सुनसान रास्ता था, धूप बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के डर से उमाकांत
उसी धूप में आगे बढ़ता गया। उमाकांत जब उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, तब उसे बहुत डर लग रहा था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। धूप इतनी तेज थी कि वो जल जा रहा था। तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखा। वहां एक सुंदर झोपड़ी भी थी। उमाकांत को जोर की प्यास भी लगी थी। वो दौड़कर उस झोपड़ी के पास गया तो देखा, झोपड़ी में दरवाजा लगा है और अंदर से बंद है। उसने आवाज दी, क्या यहाँ कोई है? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? अंदर से आवाज आई, कौन है? तुरंत झोपड़ी से एक बूढ़े साधु बाबा निकल कर आए। उनको देखकर उमाकांत बोला, मेरा नाम उमाकांत है। मैं बगल के गांव में जा रहा हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? बूढ़े साधु ने उमाकांत को देखा तो उसे उस छोटे बच्चे पर बहुत प्यार आया। इतना प्यारा बच्चा और उसकी इतनी प्यारी आवाज। हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा? तुम अंदर तो आ जाओ। साधु ने उमाकांत को बहुत सी स्वादिष्ट मिठाई खिलाया और पानी पिलाया। फिर बोला, बेटा अभी धूप बहुत तेज है, तुम यहीं आराम करो और शाम को चले जाना। उमाकांत कहता है, नहीं बाबा, मुझे अभी ही जाना होगा। अगर समय से गुड़िया लेकर घर नहीं गया तो माँ मारेगी भी और भोजन भी नहीं देगी। साधु सारी बात समझ गया। उसे उमाकांत की असलियत का पता चल गया। वो समझ गया कि उमाकांत की सौतेली माँ उसे कितना सताती है। वो कोई साधारण साधु नहीं था, वो एक सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उमाकांत के सिर पर हाथ रखा और बोला, अब से तुम्हें कोई नहीं मारेगा और ना ही तुम्हें कोई दुख देगा। उन्होंने मोती की एक माला अपने गले से निकालकर उमाकांत के गले में पहना दिया और कहा, बेटा ये जादुई माला है। इस माले से तुम जो भी बोलोगे कर देगा और यह माला बस तुम्हें ही दिखेगा। यह हमेशा तुम्हारी गले में तो रहेगा, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई इसे देख नहीं पाएगा। कोई भी काम इससे तुम करा सकते हो, बस एक ही शर्त है, कोई गलत काम नहीं कराना, नहीं तो ये माला तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देगा। उमाकांत ने साधु महाराज से वादा किया कि वो कभी भी इस माला से कोई गलत काम नहीं कराएगा। फिर साधु ने कहा कि इससे गुड़िया मांग कर तो देखो। उमाकांत ने माला से गुड़िया मांगी और एक सुंदर गुड़िया उसके हाथ में आ गई। उमाकांत खुशी से नाच उठा और साधु को प्रणाम करके घर की ओर चल दिया। जब उमाकांत घर पहुंचा तो सिठानी गुड़िया देखकर बहुत खुश हुई। अब तो जो भी काम सिठानी बोलती, उमाकांत उसे माला की मदद से बहुत आसानी से और जल्दी कर देता। सिठानी कितना भी कठिन काम देता, उमाकांत उसे तुरंत ही कर देता। उमाकांत की मासूमियत देखकर धीरे धीरे सिठानी का दिल भी पिघलने लगा। उसे भी उमाकांत पर दया आने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो फिर से उमाकांत को अपने सगे बेटे जैसा प्यार करने लगी। वो तो उसे खुद के बच्चों से भी अधिक मानने लगी। अब फिर से उमाकांत सेठ और सिठानी दोनों का लाडला बन चुका था। साधु के जादुई माला की वजह से उसकी जिंदगी में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आ गई। किसी समय में मोहनपुर नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी, अनुभवी व दूरदर्शी था। अपने परिश्रम के बल पर ही वह एक मामूली आदमी से नगर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। नगर में उसका बड़ा सम्मान था। बिना कोई हेरा फेरी किए सीधे रास्ते पर चलकर अकूत दौलत का स्वामी बना था। समय के साथ साथ धन वैभव बढ़ता ही गया।
समय बीतता रहा और वृद्धावस्था आ पहुंची। सुस्वास्थ्य भी बीते समय की बात हो गया। अब अस्वस्थ हो वह उदास रहने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसके दिन निकट ही हैं। उसे अपनी धन दौलत की भी चिंता थी। इतने कठिन संघर्ष और परिश्रम से अर्जित संपत्ति को वह किन्हीं कुशल हाथों में सौंपना चाहता था। सेठ के दो पुत्र थे। उसने निश्चय कर लिया था कि सर्वप्रथम उनकी परीक्षा ली जाए कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। उसके बाद जो उनमें से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर देगा उसे ही सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना देगा। उसने दोनों पुत्रों को बुलाया और एक एक रुपया दोनों को देते हुए कहा, यह लो एक रुपया और अलग अलग बाजार जाओ। इस एक एक रुपए से कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ जो इस घर को भर दे। ध्यान रहे, तुम्हें एक रुपए से अधिक खर्च नहीं करना है। दोनों पुत्रों ने उसकी ओर ऐसे देखा मानो वह पागल हो गया हो। उन्होंने अपने मन में सोचा, हम एक रुपए में ऐसी क्या सुलभ वस्तु ला सकते हैं जो घर को भर दे। वे रुपया लेना नहीं चाहते थे, परंतु सेठ ने उनसे अपने आदेशानुसार कार्य करने के लिए जोर दिया। उसने कहा, तुम जाओ और इस काम में अधिक समय मत लगाना। मुझे आशा है कि तुम उचित समय में ही यह कार्य करके वापस आ जाओगे। दोनों भाइयों ने एक एक रुपया लिया और चल दिए। पहला युवक बाजार में इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे कुछ भी ऐसा न मिला जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। उसने सब दुकानें देखी, परंतु उसे कुछ न मिला। उसे अब पूर्णतः विश्वास होता जा रहा था कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी कारण उन्होंने एक रुपए से घर भर देने वाली वस्तु के खरीदने की बात कही। वह निराश होकर अपने खोज का कार्य छोड़ने ही वाला था कि उसे भूसे से लदी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, कुछ आशा प्रतीत होती है। मैं नहीं जानता कि एक रुपए में कितना भूसा खरीदूं। वह गाड़ीवान के पास गया और भूसे की कीमत के विषय में पूछताछ की। कीमत पर काफी मोल भाव हुआ, परंतु अंत में वह सारा भूसा एक रुपए में खरीदने में सफल हो गया। भूसे से लदी उस गाड़ी को वह घर लेवा लाया। पिता घर पर ही थे। बड़ी आशा से उसने घर में भूसे का ढेर लगाया। जब भूसा घर के भीतर आ गया तो उसने पाया कि पूरे घर को भर देने की बात तो अलग थी, वह तो फर्श भी नहीं ढक सका था। पिता सब कुछ देखते रहे। जब दूसरा पुत्र रुपया लेकर बाहर निकला तो वह सीधा बाजार नहीं गया। ऐसा करने की अपेक्षा वह बाजार के समीप एक स्थान पर बैठ गया और बहुत देर तक बैठा हुआ वह सोचता रहा कि एक रुपए में क्या खरीद पाना संभव है। अंत में शाम के समय उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। एक रुपए को लेकर वह तेजी से बाजार की ओर गया और उस दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां बिकती थीं। उसने अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च कर दिया, जिससे उसे काफी संख्या में मोमबत्तियां मिल गईं। वह मोमबत्तियां लेकर घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई बेचैनी से खड़ा सामने फर्श पर फैले भूसे की ओर देख रहा था। अब अंधेरा होने लगा था। दूसरे पुत्र ने जल्दी जल्दी हर कमरे में दो दो तीन तीन मोमबत्तियां जलाकर खड़ी कर दी। तुरंत ही सारा घर प्रकाश से भर गया। उसका पिता उससे बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे बेटे, तुमने वास्तव में बुद्धिमत्ता दिखाई है। मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ।